हेलो, मैं हूं आपका दोस्त गार्डनर दोस्त डॉक्टर धीरेन सिंह। आज मैं आपको एक हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, जिसको हम लोग दूसरे नाम गुड़हल के नाम से भी बोलते हैं। और दोस्तों, काफ़ी लोगों का, काफ़ी साइंटिस्टों का जो विदेशों में हैं, वो इसको चाइना रोज भी बोलते हैं। दोस्तों, चाइना रोज इसलिए बोलते हैं कि इसका जो फ्लावर होता है काफ़ी फैला हुआ होता है। और दोस्तों, आज तारीख हो गई है फरवरी, मार्च की आज तारीख हो गई है 3। तो दोस्तों, अब हमारा ये जो हमारा हिबिस्कस प्लांट है, उसको मैंने हार्ड प्रूनिंग कुछ दिन पहले की थी, जनवरी में। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों, इसमें जो है ना, काफ़ी न्यू ब्रांचेज आ गई हैं। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, ये देखिए कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं। एक ब्रांचेज पे 6-6, 5-5, 7-7 फूल आ गए हैं। बट दोस्तों, ये जो हमारा एक देख रही है कितने फूल हैं, इसमें जो है ना, वाइट एफिड्स और मिली एफिड्स का बहुत अटैक होता है। जब भी न्यू इसमें बडिंग आती हैं, न्यू लीव्स आती हैं, न्यू शूट्स निकलते हैं, तो उस समय दोस्तों इसमें जो है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एफिड्स और वाइट एफिड का असर रहता है। तो इसको दूर करने के लिए अभी मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि इसकी हमें मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए, मुझे इसका टेम्परेचर क्या देना चाहिए, इसमें हम खाद क्या डालें जिससे हमारा बहुत बूशी और बहुत अच्छा हो जाए। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अभी बताता हूँ। ये देख रहे दोस्तों, मेरे काफ़ी बड़ा है। इसमें देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, कितने ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये दोस्तों जो है ना, ये अलग वैरायटी का है। इसमें इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो डबल पैकेट होते हैं। कुछ इसमें मैंने एक देखिए एयर लाइन करके बनाया है, उसमें ट्रिपल पैकेट आते हैं। उसके जो पेटल्स होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी डार्क और रेडिश होते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, इसको हम सबसे पहले मैंने यहाँ से एक हार्ड प्रूनिंग की थी। ये 2-3 ब्रांचेज निकली थी। इसके बाद मैंने एक यहाँ से हार्ड और एक यहाँ से और एक यहाँ से, मैंने 3 को फिर अगेन जो है ना, जनवरी में मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, इसकी ब्रांच प्रूनिंग की थी। तो वहाँ से फिर 4-4, 5-5, ये काफ़ी घना हमारा हो गया। देख सकते हैं व्यूवर्स, हमारा ये हिबिस्कस रोजा साइंस है। ये देखिए कि इसकी स्टेम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है, और मैंने इसको यहाँ से कटिंग किया, यहाँ से कटिंग किया, कटिंग करके इसको मैंने गमले में बूसी बनाया। ये देखिए दोस्तों, कितना हेल्दी और कितना खूबसूरत। इसमें देख रहे हैं दोस्तों, ये कितने ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो हमने मिट्टी तैयार की थी, वो मिट्टी जो है ना, बहुत पोरस होना चाहिए। जब भी हम इसमें पानी डालें, तो उसको जो है ना, पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं इसका जो टेम्परेचर है, इसको जब ये फ्लावरिंग कंडीशन में रहती है, ये फ्लावरेज इस पर आते रहते हैं, उस समय दोस्तों इसमें जो है ना, कम से कम 4-5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। धूप जब ज़्यादा रहती है दोस्तों, तो ये इसके फ्लावर्स हैं, उसका कलर काफ़ी ब्राइट हो जाता है। और ये ब्राइट होने के बाद इसमें खूबसूरत प्लांट की जो सुंदरता है, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। व्यूअर्स, मैं आपको इसका प्रपोगेशन के बारे में बताऊं कि इसमें हम जो प्लांट को कैसे करते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, इसको हम एयर लाइन से भी, हमें अभी मेरा प्लांट उधर रखा हुआ है, जिसको मैंने एयर लाइन से तैयार किया। एक एयर लाइन प्रोसेस होती है, जिसको स्टेम को कट करके हम बनाते हैं। वो प्रोसेस के बारे में मैं अभी दूसरा वीडियो बनाऊँगा कि वो कैसे के मैंने खुद किया है और हमारा काफ़ी सक्सेस है। एयर लाइन दोस्तों 100% सक्सेस रहती है, उसके बारे में हम देखें डिटेल बनाएंगे। दोस्तों, इस पर भरपूर पूरी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर, क्योंकि अभी मार्च स्टार्ट हो रही है, फ्लावरिंग जो है ना, अभी इसकी सीजन स्टार्ट हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लावर मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन जो इसमें से जो वो निकल रहे हैं, लीव्स के जो बड्स आ रहे हैं, फ्लावर्स के जो बड्स आ रहे हैं, वो ढेर सारे आ रहे हैं। हर जगह से आप देखोगे 5-5, 6-6 निकल रहे हैं। बस इसको 15-20 दिन के बाद मैं एक अपडेट फिर दूंगा, तो उसमें देखेंगे आप पूरा ये बिल्कुल फूलों से लग जाएगा। इधर देख सकते हैं बहुत दोस्तों, ये कितना बड़ा हमारा प्लांट है। ये 7 साल पुराना हमारा प्लांट है। मैंने इसको पूरा जो है ना, ब्रांच प्रूनिंग की थी। ब्रांच प्रूनिंग के बाद देख रहे
दोस्तों कितना ज़्यादा फ्लावर इसमें आता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ अब आपको इसकी, इसमें फर्टिलाइज जो है ना, फर्टिलाइजेशन खाद क्या डालें जिससे बहुत खूबसूरत हमें फ्लावर मिलते रहे। दोस्तों ये बहुत हार्डी प्लांट है, सन लवर्स है, इसको जो है ना बॉन्ड होना बहुत पसंद है। ये गमले में जो है ना काफ़ी जब ये बॉन्ड हो जाता है, इसकी रूट बॉन्ड पूरा हो जाता है, उस समय जो है ना इसको उस तरह का एरिया, उस तरह का क्लाइमेट देख रहे दोस्तों, बिल्कुल हमारे जड़ों से भर चुका है ये। तो इस तरह के प्लांट जो है ना, इस तरह का जो पॉट है ना, वो इसको बहुत पसंद है। इसीलिए दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े हो जाने के बाद भी हम लोगों ने अभी ऊपर से जो है ना इसकी ब्रांच प्रूनिंग कर देते हैं, और जब काफ़ी बड़ा हो जाता तभी रूट प्रूनिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। दोस्तों मैं इसको खाद के बारे में बताएं, अगर बहुत लेस ग्रीनेस और ब्यूटीफुल फ्लावर चारों तरफ से इसमें गिर जाए जैसे इसमें आ रहे हैं, उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये इसको, ये पोटेशियम है, ये देखिए ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम का हम इसको जो है ना करीब इतना गमले के हिसाब से जो है ना इसके रूट के किनारे किनारे जो है ना हम चारों तरफ इसको डाल देंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हम इसको चारों तरफ डाल के और इसमें गमले के हिसाब से इसमें डालते हैं कि तुम्हारा गमला कितना बड़ा है। दोस्तों ये मेरा 18 इंच का बड़ा गमला, प्लांट भी काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसमें जो है ना इसमें ये इसको हम पोटाश बोलते हैं, ये मैंने काफ़ी डाल दिया है। अगर फूल इस समय निकल रहे हैं तो दोस्तों इसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता होती है, और इसीलिए मैं इसको इसमें डाल रहा हूं। देखिए कितना फ्लावर्स इसमें आएगा। अगर फूल आ रहे हैं तभी इसमें डालना चाहिए, अदरवाइज जो है ना नहीं। इसमें देख रहे हैं दोस्त, बोगनविलिया में भी इसी तरह से करते हैं, इसमें पोटाश काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है जिससे हमें प्लांट जो है ना काफ़ी अच्छा चले। बाकी दोस्तों जो हम इसका एक मीडिया तैयार करते हैं, इसमें क्या क्या रहता है, उस समय मैं इसको काफ़ी ध्यान देता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, वो हम सब चीज़ इसमें डाल देते हैं। दोस्तों इसका वाटरिंग जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग हैं हर पौधे की तरह जो है ना इसमें वाटरिंग कर देते हैं, और फिर आपका लोग कहते हैं कि इसमें हमें जो है ना फूल नहीं मिलते। दोस्तों इसमें वाटरिंग तभी देनी है जब हमारी ऊपर की, देख रहे दोस्तों ये देख रहे बिल्कुल सूख चुका है ऊपर, तभी इसकी वाटरिंग देंगे जब ऊपर की सॉइल जो है ना 1-2 इंच बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अगर फूल हमारे इस पर आ रहे हैं तो हमें वाटर की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी कम कर देना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर फूल इसमें आ रहे हैं तो आप जो है ना वाटर कम देंगे, अदरवाइज वाटर कम देंगे तो आपके फूल काफ़ी भर भर के आएंगे, और अगर वाटर इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्तों इसके पत्ते हरे हो जाएंगे और ये पत्ते की वजह से घना हो जाएगा। हमारे गार्डन में 4 तरह के हिबिस्कस हैं दोस्तों, 2 अभी मैं लाने वाला हूँ, तो सभी में इतने ज़्यादा फूल आ रहे हैं। इसको मैं दिखाना, ये हमारा बहुत लविंग प्लांट है, इसमें जब फूल आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े, ये दोस्तों जो है ना डबल पेटेड है, इसमें डबल फ्लावर पूरे गुच्छे में इतना बड़ा आता है, इसीलिए इसको चाइना रोज बोलते हैं। दोस्तों ये हमारा हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का डिस्क्राइब मैंने किया है अभी डिटेल में, ये आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें जिससे हमारा जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको जानकारी लेके फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों मैं फिर जो है ना हमारे जो प्लांट्स लवर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, मैं बहुत उनका आप तहे दिल से आभारी हूँ, और एक बार फिर जो है ना आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।